Açın. मंजिल तक पहुंचने की आग धधक रही है, धधक। अच्छा लस्सी भी नहीं है? लस्सी भी नहीं, ठीक है। लस्सी के लिए फिर शारीरिक कोई आवश्यकता है? आपको तो हाँ हाँ एक्शन नौकरी नहीं करता, लेकिन इतनी सुंदर भाभी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी इसके दायरे मेरा समझा? बीवी के आगे खुदक रहा है? हाँ है, है हमारी बीवी, हमारी बीवी है ये, बीवी है। हाँ याद रखते हैं, हाँ खुदक रहा है बीजे थोड़ा पिक। अपनी बीवी के आगे बहुत खुदक रहे हैं फुलकनी के। आप खुदक रहे हैं बीवी के आगे? बीवी हमारी, हमारी बीवी है, क्या कर लगा तू? लेकिन कुछ भी कहो, अभी बड़ी अच्छी है। ज्यादा बकवास मत कर, समझा? नहीं तो ना, नहीं तो देख लो तेरे को, नहीं तो क्या है, क्या 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 भाभी जी, आप मना कर रहे हैं इसलिए रोक रहे हैं, नहीं तो मुंह तोड़ देता इनका मैं, मुंह तोड़ देता। अच्छा मुंह तोड़ देता? तो देख तोड़, देख तोड़, तू तोड़ तोड़। हां यार सुनो, मत मत आप एक्शन। ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो देख लूंगा तेरे को। अच्छा देखेगा, देख भाभी जी आप मना कर रही हैं, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ देता। सुन 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 सुन, कहीं भी नहीं सफर, आप चल चल रहा आगे। अभी तो इस पे आ जा, देखिए अपने बात नहीं तो देखिए, आप अपनी बकवास बंद कीजिए, नहीं तो ठीक है, नहीं तो आ जा, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, नहीं तो मैं जॉइन कर रहा हूँ, ठीक है, चलो। हाँ अच्छा, ज़्यादा बकवास मत कर, नहीं तो क्या भाभी आप मना कर रही थी, मैं इसका मुंह तोड़ देता अभी। अच्छा मुंह तोड़ देता, तोड़ मुंह मेरा, तोड़ दूंगा, तोड़ मुंह, एक्शन, तोड़ मुंह, तोड़। बाबा जी आप मना कर रही थी, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ देता। ओहो हड्डी पसली तोड़ेगा फोकनी के, तोड़ हड्डी पसली, तोड़ तोड़
बिछा देते। चलिए तो फिर चलते। हाँ ये कह सकते जो सही बात करते अच्छा भाभी जी अच्छी चार्जर रखे हो ना आप अपना सुबह से चल रहा भाभी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्यों बेओ अपनी कमीज के घेरे में रहे समझा अपनी बीबी के आगे फिदक रहे हैं फिदक रहे हैं हाँ है हमारी बीवी है ये हमारी ए, कुछ भी कहो भाभी बड़ी अच्छी है क्यों देख देख ज़्यादा बकवास मत कर नहीं तो क्या करेगा नहीं तो ओके सो आज मतलब कराटे जो आप हमेशा कहती आई है कि मैं कराटे चैंपियन हूँ वो आपने दिखाई दिया है नहीं कई बार ऐसा हो चुका है कभी कैट वुमन कभी पुलिस के जब गेटअप किए थे तो उसमें फाइटिंग होती थी लेकिन इस बार मैंने ना सीन में रियल में फाइट करा है और मैं इस बात से बहुत डर रही हूँ कि सच में वो जो हमारा एक्टर है विजय उसको लग तो नहीं गई क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दूर दूर से करूँ तो कैमरे पे लगता है कि किया नहीं तो फिर आज मैंने उसको सच में पीट दिया और मुझे बहुत गिल्टी लग रहा है लेकिन ऐसा कौन सी नौबत आ गई ऐसे कहाँ आप तिवारी जी के साथ जाने निकल गई तिवारी जी मुझे एक फार्म हाउस दिखा रहे हैं जो वो कहते हैं कि आप विभू को सरप्राइज दीजिए मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो बिल्कुल कौड़ियों के दाम में वो बेच रहा है और इस चक्कर में मैं सरप्राइज विभू को सरप्राइज देने के चक्कर में वो फार्म हाउस देखने आई हूँ और तिवारी जी तो बड़े अपने मज़े में डेट के सपने को सजा सजा कर मुझे लेकर आए हैं और उन्होंने गाड़ी भी रोकी
उन्होंने सोचा ढाबे पे ज़रा हम लोग लस्सी वस्सी पियेंगे, असल में वो थक गए थे। और जब ये गुंडा आकर मुझे छेड़ने लगा तो तिवारी जी हूल बहुत दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कह रहे हैं, शेख ही बहुत भगा रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो कुछ करें। फिर मैं बहुत देर तक तो उनको बचाने, उनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने कह रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मुँह मत लगो, इग्नोर कर दो। लेकिन जब मैंने देखा कि वो सामने वाला पीछे ही नहीं हट रहा है तो, और तिवारी जी हाथ ही नहीं उठा रहे, तो मजबूर होकर मैंने फिर उसको गुंडे को उसकी गुंडे को ढो डाला और उसकी पिटाई कर दी। और फिर जब मैं वापस आई तो तिवारी जी ने मुझसे कहा, अच्छा भाभी जी आपने मुझे रोक लिया वरना आज लाशें बिट जाती। तो मैंने कहा यार रियली आई नो। सो पहले हम कह सकते हैं अनीता भाभी को हमने अनीता भाभी के स्टाइल में मारते हुए देख लिया जी, हमेशा कुछ ना कुछ गेटअप में जी 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 जी। थैंक यू थैंक यू।